हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यस आई एम मैडी। आज इस वीडियो में हम गूगल की एक और ऐप गूगल ड्राइव के बारे में सीखने वाले हैं। गूगल ड्राइव भी जीमेल और गूगल कैलेंडर की तरह ही वॉफल में हमें दिखाई देगा, तो चलिए देखते हैं गूगल ड्राइव पे हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आज गूगल ड्राइव सीखने वाले हैं, तो मैं वॉफल पे क्लिक करता हूँ। वॉफल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ ड्राइव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ड्राइव पे क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ड्राइव ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं ये ड्राइव ओपन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ए प्लेस फॉर ऑल योर फाइल्स, गूगल डॉक्स, शीट, स्लाइड एंड मोर, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स एंड 100 मोर्स। जब मैं आई बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है, डू मोर विद ऑल योर फाइल्स इन ड्राइव, स्टोर प्रीव्यू एंड एडिट योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल डायरेक्टली इन योर ड्राइव, स्टोर इमेजेज, ऑडियो, वीडियो, आर्काइव कोड, एडोब 3D CAD फाइल्स इन 100 मोर्स। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारी फाइलें, काफ़ी तरीके की फाइलें हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं, और आपको स्टोरेज मिलता है 15 GB, जो कि आपको ये बिल्कुल फ्री में मिलता है। आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। अब हम देखते हैं इसका इंटरफेस। तो हम इंटरफेस में सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आपको न्यू बटन दे रखा है। एक न्यू बटन पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, फोल्डर। फोल्डर पर क्लिक करने से हम एक नया फोल्डर इसके अंदर बना सकते हैं। फाइल अपलोड पर क्लिक करने से, जैसे मैं फाइल अपलोड पर क्लिक करता हूँ तो हम एक फाइल अपलोड कर सकते हैं। और फोल्डर अपलोड करना हो तो हम डायरेक्ट फोल्डर अपलोड पर क्लिक करके हम फोल्डर अपलोड कर सकते हैं। अगर मुझे नया गूगल डॉक बनाना है तो मैं गूगल डॉक पर क्लिक करके नया गूगल डॉक बना सकता हूँ। इसी तरह मैं गूगल शीट्स बना सकता हूँ, गूगल स्लाइड बना सकता हूँ, गूगल फॉर्म बना सकता हूँ। मोर पर क्लिक करते हैं हम तो यहाँ पर आपको और देखने को मिलते हैं गूगल के प्रोडक्ट्स, गूगल ड्राइंग्स, गूगल माई मैप्स, गूगल साइट्स, गूगल एप्स स्क्रिप्ट, गूगल जैम्बो। ये सब चीज़ें मैं यहाँ से सिंगल क्लिक करके यहाँ पर मैं ड्राइव में क्रिएट कर सकता हूँ, मेरी फाइल बना सकता हूँ। जब हम ड्राइव ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको माई ड्राइव ही दिखाई देता है, माई ड्राइव ही ओपन हुआ रहता है यहाँ पर। फिर आता है कंप्यूटर्स। अगर आपने कंप्यूटर का एक ड्राइव या कंप्यूटर का एक ड्राइव का एक फोल्डर आपने अपने ड्राइव से सिंक कर रखा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कंप्यूटर्स पे क्लिक करके। अगर आपने कोई कंप्यूटर सिंक कर रखा है तो आपको यहाँ पर वो दिखाई देता है, शेयर्ड विथ मी। यहाँ पर वो फाइल्स दिखाई देती है जो आपको किसी ने शेयर कर रखी होगी। ये हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं, हम फाइल कैसे शेयर करते हैं। इसके बाद आता है रिसेंट। रिसेंट का मतलब आपने कोई फाइल रिसेंटली ओपन की है या आपको कोई फाइल रिसेंटली मिली है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद हम देखते हैं स्टार्ट। इसके अंदर वो फाइल्स आती है जिस फाइल पर हम रोज काम करते हैं या हम उस फाइल को रोज ओपन करते हैं। काफ़ी टाइम मुझे उस फाइल पर वर्क करना पड़ता है और मुझे ढूंढना नहीं है माई ड्राइव पर या शेयर विथ मी। अगर किसी ने मुझे कोई फाइल शेयर की है और मैं उस फाइल पर काम करता हूँ तो मैं ढूंढना नहीं चाहता हूँ, मुझे वो फाइल जल्दी से मिल जानी चाहिए, तो मैं उस फाइल को स्टार मार्क कर देता हूँ तो मुझे वो इस फोल्डर में डायरेक्टली मिल जाएगी। फिर इसके बाद आता है ट्रैश। मतलब हम गूगल ड्राइव से कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश के अंदर आ जाता है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आइटम्स इन ट्रैश आर डिलीटेड फॉरएवर आफ्टर 30 डेज, यानी कि मैं फाइल जब माई ड्राइव से डिलीट करता हूँ तो वो 30 दिन तक यहाँ पे रहेगी, उसके बाद वो अपने आप यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब हम न्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं न्यू में गया और मैं यहाँ पे एक फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अब ये आपको फोल्डर का नाम पूछता है, आपको फोल्डर का नाम देना है। मैं इसको नेम दे देता हूँ मैडी 1। ये मैंने एक फोल्डर बना लिया है, अभी आपको फोल्डर माई ड्राइव में दिखाई देता है मैडी 1। अब मान लीजिए मैंने इसको ओपन किया फोल्डर को, न्यू फोल्डर पर क्लिक करके एक नया फोल्डर बना लूंगा। मैडी सब फोल्डर के नाम से मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये चीज मैं यहाँ पर जो मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन है, मेन स्क्रीन जो आपको ड्राइव की स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके भी ये सारे काम मैं कर सकता हूँ। ये हम इसको बोल सकते हैं ये शॉर्टकट है। हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे माउस से और आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब मैं वापस से बाहर आ जाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है, अब मैं इस फोल्डर पर डबल क्लिक करके, अब एक फोल्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर एक फोल्डर और बनाना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और न्यू फोल्डर बना दूँगा। इसी तरीके से अगर मुझे कोई फाइल अपलोड करनी है इस वाले फोल्डर के अंदर,
जो मेन मेरा फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मुझे अगर कोई फाइल डालनी है तो मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगा, अपलोड फाइल्स पे जाऊँगा और मुझे जो फाइल भी इसके अंदर ड्रॉप करनी है वो फाइल मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो चलिए मैं एक ये मेरी इमेज फाइल है, मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये फाइल अपलोड हो रही है, आप देख सकते हैं एक वन अपलोड कंप्लीट, यहाँ पर जो फाइल मैंने अपलोड की थी वो फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अभी हमने जो फोल्डर बनाया था मेडी सब फोल्डर, तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से रिमूव पर क्लिक किया और ये यहाँ से डिलीट हो चुका है। हमने एक फाइल अपलोड की, अब मुझे एक फोल्डर अपलोड करना है, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ स्क्रीन पे और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपलोड फोल्डर, अपलोड फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। अपलोड फोल्डर पे क्लिक करने के बाद फोल्डर फॉर ड्राइव, ये मैंने एक फोल्डर बना रखा है और मैं इसको अपलोड बटन पे क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हैं फोल्डर अपलोड हो रहा है, फोल्डर फॉर ड्राइव स्टार्टिंग अपलोड एंड वन अपलोड कम्प्लीट, एक अपलोड कम्प्लीट हो चुका है और ये आपका फोल्डर बन चुका है। आपको ये ध्यान रखना है आप जो फोल्डर अपलोड कर रहे हैं उसके अंदर कुछ डेटा होना चाहिए, फोल्डर के अंदर जो आपने कंप्यूटर में सेव कर रखा है उसके अंदर कोई डेटा नहीं है तो फोल्डर अपलोड नहीं होगा। आपके उस फोल्डर के अंदर कोई भी डेटा होना बहुत ज़रूरी होता है तभी वो फोल्डर अपलोड हो पाएगा, जैसा कि मैंने इसके अंदर एक इमेज डाल रखी है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, मैं न्यू बटन पर क्लिक करता हूँ या मैं राइट क्लिक करता हूँ स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म्स। तो मैं अगर गूगल डॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक डॉक की फाइल मेरे लिए गूगल ड्राइव बना देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फाइल बन चुकी है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, ये रीनेम भी हो चुकी है, ये फाइल शुरू हो चुकी है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइल अभी मैंने गूगल डॉक्स की बनाई थी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसी तरीके से मैं राइट क्लिक करके गूगल शीट्स पे क्लिक करता हूँ तो एक गूगल शीट्स मेरे लिए क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको रीनेम कर देता हूँ, ये शीट गूगल ड्राइव पे क्रिएट हो चुकी है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं डेमो शीट को मैं जो भी मैंने आपके सामने क्रिएट किया था। इसी तरीके से मैं गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म्स और गूगल ड्राइंग्स, गूगल माई मैप, ये सब मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ सिंपल। अब आ जाइए माई ड्राइव पे वापस, हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, फोल्डर बनाने के बाद हमने इसके अंदर एक सब फोल्डर बनाया था जो मैंने डिलीट कर दिया है, उसके बाद हमने एक फाइल अपलोड की, फिर उसके बाद हमने एक फोल्डर अपलोड किया, फिर हमने एक गूगल डॉक की फाइल बनाई, फिर हमने एक गूगल शीट की फाइल बनाई और इसी तरीके से हम और फाइलें भी बना सकते हैं। तो अब हम इस फाइल को शेयर करना सीखेंगे, लोग इस फाइल को कैसे शेयर कर सकते हैं, इस फोल्डर को कैसे शेयर कर सकते हैं। फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन मुझे मिलता है शेयर, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये लोड होगा। लोड होने के बाद आपको एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, फोल्डर शेयर करना चाहते हैं आपको उस पीपल का एड्रेस डालना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, मैंने ये डाला। अब आपको कोई मैसेज इस फोल्डर के रिगार्डिंग कुछ टाइप करना है तो आपको यहाँ पर वो मैसेज लिख देना है, और यहाँ पर नोटिफाई पीपल लिखा हुआ आ रहा है। नोटिफाई पीपल का मतलब आप जब ये फोल्डर उनके साथ शेयर करेंगे, जिसके साथ आप फोल्डर शेयर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं उनको नोटिफिकेशन मिले ईमेल के थ्रू तो आप यहाँ पर टिक रखेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि उनको किसी प्रकार का नोटिफिकेशन मिले, डायरेक्ट उनको वो फाइल ड्राइव में शेयर विथ मी में ही दिखाई दे, तो आप यहाँ से अनटिक कर देंगे। अब वो फोल्डर उनको उनके शेयर विथ मी में दिखाई देगा, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम नोटिफाई पीपल पे क्लिक करेंगे ताकि उनके पास एक मेल चला जाए इस फोल्डर के रिगार्डिंग। और यहाँ पर अब ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा आपको, ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन हैं, इस फोल्डर को सिर्फ देख सकें और वो इसके अंदर कुछ डिलीट ना करें और ना ही इस फोल्डर के अंदर से कुछ एडिट कर पाएँ, तो आप उनको व्यूअर वाले राइट दे देंगे, इसका मतलब वो सिर्फ इस फाइल को देख सकते हैं। कमेंटर का मतलब होता है वो उस फोल्डर के अंदर कमेंट कर सकते हैं, अगर आपने गूगल डॉक की फाइल बनाई है उसके लिए कुछ आपने डेटा डाला है तो वो उसके अंदर कमेंट कर सकते हैं। एडिटर आप अगर आप उनको बनाते हैं, अगर आप उनको एडिटर बनाते हैं तो वो उस फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं और उस फाइल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो उस फाइल में कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ पर सिंपली सेंड बटन पर क्लिक करके ये फोल्डर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया ऊपर और ये मैंने फाइल उनको सेंड कर दी है। अब हम खोलते हैं दूसरा अकाउंट, ये जिनको मैंने अभी फाइल शेयर की है, ये मैंने दूसरा अकाउंट भी बना रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी आईडी लॉगिन हो चुकी है, पहले वाली आईडी मेरी यहाँ पर मैंने दूसरे टैब में खोल रखी है जिसमें पिंक कलर का एक आइकन है, अंदर एम लिखा हुआ है, और दूसरा वाला जो मेरा अकाउंट है उसमें ब्लू कलर का आइकन है जिसके सेंटर में एम लिखा हुआ है। अब मैं जाता हूँ वो फाइल शेयर विथ मी में, वो मुझे फाइल शेयर विथ मी में दिखाई देगी। और ये रही वो फाइल जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। आप देख सकते हैं शेयर विथ मी में जो दूसरा वाला अकाउंट जो मैंने आपके सामने खोल रखा है उसमें आपको शेयर विथ मी में आपको ये फोल्डर दिखाई देगा। ये वही फोल्डर है, हम खोल के देख लेते हैं। यस, इसके अंदर फोल्डर फॉर ड्राइव एक बना हुआ है, उसके अंदर फोल्डर फॉर ड्राइव के अंदर एक इमेज पड़ी है। वापस हम बाहर आते हैं तो हमने एक डेमो मेडिफाइल बनाया था, डेमो शीट बनाई थी और एक इमेज हमने अपलोड की थी, वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो अब वापस हम हमारे मेन अकाउंट पे चलते हैं। ये हम हमारे मेन अकाउंट पे आ गए हैं। अब आपने कुछ चेंजेस देखे होंगे इसके अंदर, एक चेंज आया है इस फोल्डर के अंदर। जैसे ही मैंने ये फोल्डर शेयर किया है यहाँ पर एक पर्सन का लोगो आ गया है जो फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं पर्सन का लोगो आपको दिखाई दे रहा है। इससे आपको ये पता चलता है कि ये फोल्डर मैंने किसी के साथ शेयर कर रखा है। इससे पहले जब मैंने ये फोल्डर बनाया था, आपको मैं नया फोल्डर बना के बताता हूँ, न्यू फोल्डर, ये देखिए जब हम एक फोल्डर बनाते हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं होता है तो सिंपल एक फोल्डर दिखाई देता है। जैसे ही हम फोल्डर शेयर कर देते हैं किसी के साथ तो आपको वो एक फोल्डर के अंदर एक पर्सन का लोगो दिखाई देता है। हमने माई ड्राइव देख लिया और माई ड्राइव के अंदर कैसे काम करते हैं वो चीज़ हमने देख ली। जब हम एक लैपटॉप का या कंप्यूटर का हमारा एक फोल्डर सिंक करते हैं तब आपको वो यहाँ दिखाई देता है। शेयर विथ मी में मैंने आपको अभी दूसरे अकाउंट में बताया था जब हम किसी को फाइल शेयर करते हैं तो वो शेयर विथ मी रहती है। अब हम रिसेंट पे क्लिक करके देखते हैं, ये फाइल्स मैंने रिसेंट में क्रिएट की है। ये फाइल्स रिसेंट में आप देख सकते हैं, ये फाइल्स क्रिएट की है आपको रिसेंट में इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि हमने रिसेंटली इस फाइल को क्रिएट किया है, हमने इस फाइल पे वर्क किया है, इसलिए ये फाइल आपको रिसेंट में दिखाई दे रही है। अभी आप देख सकते हैं स्टार्ट में कुछ भी नहीं है, तो मैं अभी रिसेंट में जाता हूँ। अब मैं एक फाइल ओपन करता हूँ। फाइल ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्टार का आइकन दिखाई दे रहा है, मैं इसको स्टार कर देता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद मैं स्टार्ट वाले फोल्डर में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो फाइल ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे रही है, उस फाइल का एक शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं देखता हूँ ट्रैश, ट्रैश में अभी मैंने एक फोल्डर डिलीट किया था मेडिसब फोल्डर, तो वो फोल्डर मेरे ट्रैश में आ चुका है। और स्टोरेज के बारे में आपको मैंने बताया ही था, आपको 15 GB की फ्री स्पेस मिलती है और अगर आप स्पेस अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बाय स्टोरेज पे क्लिक करके आप यहाँ से स्टोरेज भी परचेज कर सकते हो। तो हम अभी परचेज नहीं कर रहे हैं तो मैं वापस से इसको क्लोज कर देता हूँ। आई थिंक आपको अब गूगल ड्राइव पे वर्क करना समझ में आ गया होगा। गूगल ड्राइव से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज ये मैं आपको मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स में समझा दूंगा। सिंपली शॉर्टकट्स की कौन सी होती है और हम उन्हें कैसे यूज में ले सकते हैं वो मैं आपको यूट्यूब के शॉर्ट्स में समझा दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गूगल की एक और ऐप के साथ। थैंक यू।